मैंने उसे कहा, मैंने कहा देखें जी आपने तो मुझसे बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया है, मैं आपको रेट क्या बताऊं, मुझे ना वॉल्यूम का पता है ना मुझे ये पता है कि कहां पे ये लगानी है, किस टाइप की सबस्ट्रेट है उसके नीचे, क्या वो करना है, किस किस्म का काम करना है, तो आप मुझे कुछ डिटेल्स दें तो मैं आपको अच्छा रेट बताऊं, फिर ये रेट ऐसे तो नहीं है सिंपल के जी फलाना। तो उसने ऐसे ना ऐसे देख रहा था मुझे ना ऐसे ना बड़ा उसने सर धुन के ना कहता है आओ गाड़ी में बैठो मेरे साथ, कहता है ड्राइवर साहब ने कहा पीछे आए गाड़ी में बैठो मेरे साथ, गाड़ी में बैठे वो सीबीआर के उससे थोड़ा सा मुड़ गए, वो सामने ब्लू एरिया की लंबी सड़क है उसके ऊपर जैसे ही मुड़े इस तरह ना मुझे कहता है साईं ये 7 किलोमीटर की सड़क है, इसके दाएं बाएं बीच में दोनों तरफ ये 6-6 फुट के वो बनाने हैं फुटपाथ, आप हिसाब लगा लें कितना हुआ है, अब रेट बताएं आप मुझे कि कितना हुआ है। मैंने उसको फिर से कहा, मैंने कहा अच्छा जी बिल्कुल मैं आपको रेट बताऊंगा, लेकिन ये रेट जो है ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो फिर वो ऐसा ना शाम को आप घर आ जाएं, मैं घर में ऑफिस अपना लगाता हूँ, शाम को आप घर आ जाएं, तो फिर मैंने कहा अच्छा जी ठीक है सही है। उसने मुझे उधर ही गाड़ी से उतारा, पीछे मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, चल पड़ा। अच्छा अब मैं आया जनाब, मैंने वो अपने दोस्त से कहा, मैंने कहा यार उसने तो मुझे शाम को घर पे बुला लिया, कहते हो यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त साइन है, कहते हैं वो तो दफ्तर में कोई काम उसका होता ही नहीं है, कहते हैं वो क्यों रात 12-1 बजे आता है, वो उसका असली दफ्तर जो है उसके घर में शाम को लगता है बेसमेंट के अंदर, उधर सारे क्लर्क भी बैठे होते हैं, सब टाइपराइटर पड़े होते हैं, कागज ठप्पे सब कुछ पड़ा हुआ, उधर ही कॉन्ट्रैक्ट्स इशू होते हैं, उधर ही चीजें इशू होती हैं, सब कुछ उधर होते हैं। अच्छा तो मैंने कहा चलो जी, कहते हैं तो तुम्हारा काम हो गया, बस उधर जाके, कहते हैं अब मेरी ये बात सुन लो कि उधर जाके उसको मामा तथा मत करना, उसको सीधा बता देना कि जी ये रेट है, वो शाम तक कर लो वर्कआउट कि क्या करना है। मैंने कहा मैं जैसे वो क्या, मैंने कहा जी ये ठीक है ये मुनासिब है शाम को। अच्छा और कहते हैं कि जब जाओ तुम तो खाली हाथ नहीं जाना, लिफाफे में पैसे लेके जाना, वो उसको रख के कि जी ये जो है तो मैं वो लाया हूँ यू नो क्या कहते हैं उसको और जो है तो आगे जी अब बात करें। तो कहते हैं वो उसके बाद बात, खैर उसने वो मुझे सब समझाया। शाम को मैं गया उधर उसके घर के बाहर, बाहर बाकायदा से टीन का वो जो एक शेड सा बना होता है ना उसके अंदर बेंचें पड़ी हुई, टीन का शेड लगा हुआ बिकॉज उधर लोग आते थे इंतजार करते थे, वो क्लर्क खड़ा वो बाकायदा से पर्ची आपको पकड़ाता था, लैमिनेटेड पर्ची नंबर 20 नंबर 21 नंबर 22 वो पर्ची आप पकड़ लें जनाब खड़े हो जाएं उधर लाइन के अंदर। अब मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग कहानी जो मैं आपको सुनाऊँ, मैं जाके बेंच के ऊपर बैठ गया, बेंच के ऊपर बैठा जनाब तो क्या नाम है साथ एक आदमी आके बैठ गया, ठीक है अर्ली 90s की बात है, आदमी आके बैठा और जो है तो क्या नाम है मुझसे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी क्या आप चेयरमैन साहब से, हाँ जी चेयरमैन साहब आप क्या काम करते हैं जी, मैं यू नो इस टाइम ब्रिक्स की फैक्ट्री है मेरी, पेवर्स बनाते हैं हम। कहते हैं अच्छा अच्छा इंटरेस्टिंग, तो ये कौन से पेवर हैं, ये क्या चीज़ है, आपके पास कोई सैंपल वैम्पल है। मैं कहा जी बिल्कुल है। अच्छा मैं तो बड़ा वो ब्रिक हमारी जो थी वो बहुत ही नॉर्मल ब्रिक से बड़ी डिफरेंट, उसको आप निकालते थे वो लगता था जैसे चॉकलेट की बनी हुई है वो बड़ी, वो उसको मैंने डब्बों में बंद किया होता था उसके बड़े वो फैक्ट्री के वो स्पेक्स उसके ऊपर लिखी हुई कि जी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इसकी ये इतनी वाटर एब्जॉर्प्शन है फलाना है ये वो ये कंपोजिशन है, वो बड़ी जबरदस्त मैंने उसकी पैकेजिंग बनाई हुई थी। मैं गया गाड़ी में से मैंने वो निकाल के मैंने कहा जी ये ले। तो दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, एक तो उसने देखा ऐसे ना, तो मेरे पास बड़ी जबरदस्त मर्सिडीज थी वहाँ पे ना, तो ऐसे देख के ना गाड़ी को कहते हैं वाह आपकी गाड़ी मुझे बड़ी पसंद आई, गाड़ी आपकी बड़ी शानदार है। तो मैंने कहा अच्छा जी थैंक यू। कहते ये AMG है, मैंने कहा हाँ जी AMG है। तो कहते मेरे पास भी मर्सिडीज़ है लेकिन वो AMG नहीं है, तो बड़ा ये तो यू नो बड़ी अच्छी, मैंने कहा हाँ जी सही है। कहता है अच्छा अच्छा, कहते हैं ब्रेक दिखाएं, ब्रेक उसने खोली, कहता है वाह ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ा वो है ये तो। तो मैं यूँ कर रहा हूँ कि मैं बना रहा हूँ 3 अपार्टमेंट ब्लॉक्स हैं, 3 टावर्स हैं डिप्लोमेटिक इनक्लेव में, बड़े स्पेशल वो बड़े टॉप नॉच किस्म के ये, तो आप ये ईंट जो है इसके कुछ सैंपल्स मुझे अगर ला दें और मुझे रेट इसके बता दें, मैं चाहता हूँ कि उसकी बाहर की क्लैडिंग मैं इन ईंटों से करूँ। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, ये तो वो कार्ड्स हमने एक्सचेंज किए ये वो, और जो है तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा मैं आपको कल परसों जो है तो आ जाऊँगा, मैं आपको ये सब बता दूंगा, ये डिलीवरी होगा। कार्ड मैंने उससे लिया, कार्ड मैंने पढ़ा, कौन था, मलिक रियाज। मलिक रियाज से मेरी जिंदगी में एक ही मुलाकात हुई है, और वो जिस टाइम, अच्छा जब मैं वापस गया से वो अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार ये कार्ड मुझे किसी ने दिया है, वो कह रहा है कहते हैं मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, उसने देख के कहता है यार बहुत बड़ा ठेकेदार है, कहता है ये इस्लामाबाद का नंबर वन है। सो हिज स्टेटस एट द स्टार्ट ऑफ द 90s वाज ही वाज अ बिग गाय बट ही वाज अ लोकलाइज्ड इस्लामाबाद वेरी ह्यूज कॉन्ट्रैक्टर प्रॉपर्टी डेवलपर, ही वाज बिल्डिंग दिस। आई वेंट टू हिम, आई गिव हिम द ब्रिक्स, he made his building with my bricks, it's still there, you know, building, badi khoobsurat usne building banayi hai, you know, badi
तो दैट बिल्डिंग इज स्टिल देयर एंड दैट वाज माय माय ओनली ओ विद विद मलिक रियाज. एनीवे तो अच्छा वो हम आ गए, वो खैर वो कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया, वो हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट की बिल्कुल लिद बच गई, वो जो है तो सारा हमने काम किया, वो जो है तो उसके अंदर दूसरा चेयरमैन आ गया और जो है तो अजीब बिल मेरे फंस गए, पैसे मुझे नहीं. अच्छा दूसरा चेयरमैन आ गया, बड़ा ब्यूरोक्रेट जनाब, उसने रुमाल शुमाल लगाए, सिगार हाथ में पकड़ा हुआ है. अच्छा मैं उसके पास गया, मैंने कहा जी मेरे ये बिल फंसे हुए हैं, ये बड़े अरसे से फंसे हुए हैं, बड़ी मुसीबत में हूँ मैं, काम हो गया सब कुछ, अनेक चीज़ सही है, रिपोर्टें आ गई हैं इंजीनियर्स की, ये पैसे उनसे कहते कहते बजट नहीं है हमारे पास. वो मैंने कहा जी जब आप वो इशू कर रहे थे, वर्क ऑर्डर इशू कर रहे थे, तो बजट का क्या, कहते जी बस ये बजट नहीं है हमारे पास. अच्छा खैर एनीवे वो एक अजीब, तो ये वो मैं आया वापस जनाब, मैंने कहा यार ये तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, मैंने कुछ कहलवाओ, ये मेरे पैसे वापस कर दे यार, काम किया हुआ है हमने ये. उस जी वो इस तरह चेयरमैन जो है उससे मुलाकात करनी है और ये मेरे दोस्त का बिल फंसा हुआ है, उसने वो काम करवाया, तो उसने मुझे वापस वो किया और कहा कि जी सुबह 10 बजे तुम चले जाओ और चेयरमैन से तुम्हारी अपॉइंटमेंट है. मैंने कहा अच्छा, मैं सुबह जो है तो तैयार वार होकर फाइल पेपर्स ये वो सब पकड़ के पूरा केस ये वो मैं दफ्तर पहुंच गया सीडीए के बाहर, एक वो जनाब पूरा वो कुल्ले शुल्ले वाला बंदा खड़ा है और वो शेरवानी में और गेट कीपर यू नो उसने हाथ में रजिस्टर पकड़ा हुआ था. मैंने कहा जी मैं चेयरमैन साहब से मीटिंग है 10 बजे. उन्हें ऐसे देख के कहते नहीं जी आपका नाम तो इधर नहीं है. मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मुझे तो ये बताया था, तो चेयरमैन तो कह रहा है कि मैं तो लिस्ट में ही नहीं हूँ, नहीं है मेरी फोन. कहता है एक सेकंड होल्ड करो, मैं दूसरे फोन पे उसे पूछता हूँ बाजी से. उसने फोन उठाया जनाब और उसको अब मैं सुन रहा हूँ, उसने दो फोन इस तरह पकड़े हुए हैं ना, तो उसने फोन किया, कहते जी वो बाजी वो तो उधर खड़ा है उसके बाहर दफ्तर के, वो तो कह रहे हैं कि जी टाइम नहीं है. कहती है उस गालियां, यू नो ऐसी ऐसी गालियां कि वो, और वसीम से कहो कि दरवाजे को लात मार के अंदर जाए, और ये मैं मजाक नहीं कर रही, उससे मैं नाराज हो जाऊंगी, उसको को लात मार के दरवाजे को अंदर घुसे और उसको कहे कि ये काम अभी करो. मैंने कहा यार ये पता नहीं किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं, ये क्या अजीब हो रहे हैं. उसने कहा कहते उसने फोन बंद किया, मुझसे कहते कहते तुमने तो सुन लिया क्या कह रही है, जाओ उधर. अच्छा अब मैं ये फोन कर रहा हूँ और उससे बात कर रहा हूँ, इतने में हांफता हुआ एक आदमी नीचे उतरा, ठीक है ना, बिल्कुल परेशान हाल, वसीम साहब वो ठीक है. मैंने कहा हाँ जी मैं हूँ. इधर आए जी, चेयरमैन साहब आपको बुला रहे हैं फलाना. और जो वो सब जिस तरह मोजेस का वो खुलता है ना, पार्टिंग होती है, वो रश सारा खुला जनाब, ये वो पकड़ के मुझे अंदर ले गए. अंदर गए दफ्तर में, मैं पहुंचा उसके पास. एक हफ्ता पहले मैं उससे मिला था, वो यूं बैठा हुआ था, यूं करके सिगार उसने पकड़ा हुआ. यस आई एम वेरी सिंपथेटिक टू योर वो यंग मैन, यू आर अ वेरी डायनामिक फलाना यंग वो, और तुम जो है तो तुम जैसे लोगों की तो हमें ज़रूरत है यहाँ पे, और ये बिल्कुल तुम्हारा काम होना चाहिए. बड़ी ज्यादती की है उन्होंने, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे हाथ फंसे हुए हैं जी, बजट नहीं है, फलाना नहीं है ये वो. अच्छा वो कह रहा मैं दरवाज़ा, मैं अभी दरवाजे तक नहीं पहुँचा था कि दरवाज़ा खुला, और ये मैं बिल्कुल विदाउट एग्जैजरेशन ये चीज़, इसमें कोई एडिशन नहीं है. दरवाजा जो है वो आधा खुला हुआ था, तो उसके पीछे चेयरमैन खड़ा, यूं उसने दरवाजा खोला, यूं मुझे देखे ना, वसीम साहब आइए 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 आप अंदर. अच्छा मैं जैसे आया ना, तो वो अभी डेस्क की तो लंबा ऑफिस था, डेस्क दूर था, तो उधर ही खड़ा होके ना, आपने मुझे, आपसे मुझे बहुत गिला है वसीम साहब, बहुत नाराज हूं मैं आपसे. और अभी आहिस्ता आहिस्ता उसका मुंह भर रहा है ना, यानी आपने मुझसे कोई तारुफ अपना नहीं करवाया, ये तो बहुत ज्यादती की आपने. देखें जी मैं तो इतनी पता नहीं इतने साल से मुलाजिम हूँ, इतनी गालियाँ मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुनी, मेरी जितनी बेइज्जती आपने करवाई है, मैं आपसे नाराज हूँ, मुझे आपसे बहुत सख्त गिला है ऐसे ना. तो मैं अब खड़ा हैरान हूँ, like, तो मुझसे कहते आप इधर ही खड़े रहेंगे, आप के नहीं चलेंगे. मैं कहा जी चले तो यूं गो. कहते नहीं नहीं जी आप आगे जाएं, पहले आप बैठें, ठीक है ना. जब मैं जाके कुर्सी के ऊपर बैठ गया, तो इस तरह जाके ना कुर्सी के ऊपर बैठ के कहते हैं जी मैं तो आज वो लंबी कहानी और रो रहा है जारों कतार. मैं जी मैं बहुत ज्यादा कि आपने मेरे साथ फलाना ये वो, किधर है आपकी फाइल और ये वो, घर बुलाइए ले चेक किए, ऐसे आइंदा ना कर, वो बड़ा गिला है मुझे आपसे. मैं बाहर निकला है, मैंने कहा यार ये क्या अजीब ड्रामे है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दीस. लेकिन ये हम लोगों की ये शैलोनेस, तो ये जो है, ये जो मैं आपसे सोसाइटल तजाद का कह रहा था ना, एंटायर सोसाइटी के व्हील्स आउट ऑफ अलाइनमेंट हैं, वो ची ची किए जा रहे हैं, और ये सारे मुल्क के अंदर एक शोर हंगामा है, बट पीपल आर जस्ट इम्यून टू इट, दे डोंट हेयर इट, यू नो. बाहर से एक आदमी आता है ना,
वो जब सुनते हैं वो कहते हैं यहाँ पे कितना शोर है यार, ये तो ये तुम्हें ये आवाज़ नहीं आ रही, ये जो कांस्टेंट वो हो रहा है, श्रीकिंग है कांस्टेंट। दे सही कि नहीं जी, वो तो हम तो जी थोड़ा सा तेल उसके ऊपर गिराते हैं, श्रीकिंग बंद हो जाती है जी। हर एक बंदा अपने उसके मुताबिक उधर जाके थोड़ा सा तेल उसके ऊपर गिरा देता है, मोमेंटरीली श्रीकिंग आपके लिए बंद होगी, आपका काम हो गया। अब बाकी चाहे दुनिया श्रीकिंग से पागल हो रही।